हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के ग्राम पंचायत सिंघरावा के सुंदरलाल जैन उच्च विद्यालय सिंघरावा के शिक्षक एवं कर्मियों ने वित्त रहित संयुक्त रूप से आज 23 को काला बिल्ला लगाकर पठन पाठन कार्य करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार से जब झारखंड सरकार अलग हुई तब एक आंदोलन किया गया और एक सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी निर्माण कर अनुदान राशि देने पर पहल करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी सरकार ने हम लोगों को अनुदान राशि दिए। फिर हेमंत सोरेन जी के समय अनुदान राशि दोगुनी मिली, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अनुदान राशि को काट कर कम कर दिया है। और आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर विरोध स्वरूप हम शिक्षकगण यहां पर कार्य कर रहे हैं, ताकि सरकार जागे और हम लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके। विकर्षों से हम लोग शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार से हमें स्थापना अनुमति प्राप्त हुआ। सरकार समय समय पर बहुत कठोर शर्त लागू करके हमें प्रताड़ित करने का प्रयास करती आ रही है। धारा 3-3 के अंतर्गत हम स्कूलों को स्थापना अनुमति मिली, जिसमें यह तय था कि सरकार शर्त पूरा करने के बाद इन स्कूलों का अधिग्रहण करेगी। आज तक ऐसी कोई व्यवस्था हम स्कूलों के साथ नहीं लागू हुआ है और हम सभी कर्मचारी, कुछ कर्मचारी तो काल कल्वित हो गए, भूखों मरने के कगार पर हैं। और हमारा सरकार से एक बार फिर अनुरोध होगा, वो इस बात को भली भांति समझे और वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के उत्थान के लिए, ताकि ये समाज में अपना सही अस्तित्व से जी सके, अच्छा से अच्छा प्रयास करने का कष्ट करें। चौपारण से मुकेश कुमार राणा की रिपोर्ट।